हाय गाइस, इफ आई आस्क यू दैट हु इज योर बेस्ट कंपेनियन, सो शायद आपका जवाब हो सकता है कि माय फोन इज माय बेस्ट कंपेनियन। और ऐसे में अगर आपका फोन स्लो चल रहा है और आपके फोन में ओवर हीटिंग या हैंगिंग इश्यूज आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल स्लो फोन को स्पीड अप कैसे किया जाए, एज वेल एज अगर आपका फोन हैंग कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपका फोन फास्ट रन करे। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो में आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फोन को फास्ट बना सकते हैं एज वेल एज हैंग होने से रोक सकते हैं। वेल गाइस, जब हम शुरू में फोन परचेस करते हैं, एकदम फोन न्यू रहता है, तो उस कंडीशन में हमारे फोन में ना तो किसी प्रकार की हीटिंग के इश्यूज आते हैं और ना ही किसी प्रकार के हैंगिंग के इश्यूज आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा फोन पुराना होता जाता है तो उसमें हीटिंग इश्यूज एंड फोन स्लो होने के इश्यूज सामने आते हैं। तो इस तरह में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए एज वेल एज कुछ सेटिंग्स को यूज करना चाहिए ताकि आपका फोन स्लो ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी आपका फोन स्लो हो रहा है या कि हैंग हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अपने फोन की स्टोरेज चेक करनी चाहिए एज वेल एज आपको स्टोरेज को क्लीन करना चाहिए। मे बी कि आपके फ़ोन में मल्टीपल ऐप अवेलेबल है तो ऐसे में आपको अनवांटेड ऐप्स को रिमूव कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। एज वेल एज अगर आप अपने फ़ोन में किसी प्रकार के क्लीनर का यूज़ करते हैं तो लेट मी टेल यू कि आपको क्लीनर को रिमूव कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के क्लीनर कोई भी वर्क नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं आपके फ़ोन पे। गाइज, जब भी हम अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कई बार हम मल्टीपल ऐप्स को इंस्टॉल करते जाते हैं एज वेल एज हमारे फ़ोन में उस समय हमारे पास कई सारी मल्टीपल ऐप्स हो जाती हैं लेकिन हम उन्हें डिलीट नहीं करते हैं। तो कई बार कुछ मैक्सिमम ऐप्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं और कई बार हम बहुत ही रेयर केस में उनको यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसी ऐप्स हमारे फ़ोन में स्टोरेज को कवर करती हैं। तो ऐसी ऐप्स को हमें रिमूव कर देना चाहिए टाइम टू टाइम ताकि हमारा फ़ोन स्लो ना हो। गाइज, हमें अपने फोन में लाइट ऐप्स का यूज करना चाहिए, हैवी ऐप्स को इंस्टॉल करने से बचना चाहिए। एंड वेल गाइज, हमें अपने फोन को अपडेट रखना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ में हम अपडेट कर सकते हैं या 15 डेज में हमें फोन को अपडेट कर लेना चाहिए। साथ ही हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर अपडेट्स में कोई बग्स ना हो तो उस कंडीशन में अपने फोन को अपडेटेड रखना चाहिए। एंड गाइज, कई बार हम अपने फ़ोन को लगातार कंटिन्यू बैटरी चार्जिंग पे रखते हैं ना, उसके बाद हमारा फ़ोन हीट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा फ़ोन एक्स्ट्रा हीट है तो उसमें स्लो होना या हैंगिंग का इश्यू आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फ़ोन को थोड़ी देर के लिए यूज़ बंद कर देने से, थोड़े समय के लिए फ़ोन का यूज़ बंद कर देने के बाद जब भी आप फ़ोन को नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका फ़ोन स्मूथ रन करने लगता है। एंड फ्रेंड्स, जब भी हम अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इस तरह में फ़ोन के रेगुलर यूजेज में कई सारे फाइल कैसेज स्टोर हो जाते हैं, तो उन कैसेज को हमें फ्री करना पड़ता है। एंड गाइज, वेन एवर यू परचेज आर फोन एंड सो लॉट्स ऑफ ब्लॉटवेयर्स आर अवेलेबल इन फोन, सो ब्लॉटवेयर ऐप्स को हमें फोर्स स्टॉप कर देना चाहिए ताकि वे अननेसेसरी हमारे फ़ोन का डाटा यूज़ ना करें एज वेल एज बैकग्राउंड में ना रन करें, तो इससे हमारी बैटरी भी कंज्यूम होने से बचेगी एज वेल एज हमारा फोन स्लो नहीं होगा। एंड वेल गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन फास्ट वर्क करे तो ऐसे में आपको अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग में स्टोरेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट फ्री स्टोरेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्टोरेज को फ्री करना है ताकि आपका इंटरनल स्पेस काफ़ी फ्री रहे जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग ना करे और फ़ोन काफ़ी फास्ट वर्क करे। वेल फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन ओवरहीट हो रहा है और स्लो चल रहा है तो इस कंडीशन में आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे फ़ोन तो आपका फ़ोन फास्ट वर्क करेगा एज वेल एज गाइज। एंड वेल गाइज, इन सब के बावजूद भी अगर आपका फ़ोन स्लो वर्क कर रहा है तो आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं और हार्ड रीसेट करने के बाद आपका फ़ोन स्मूथ वर्क करेगा। ऐसे में आपके फोन्स की सारी सेटिंग्स न्यू हो जाएंगी एज वेल एज आपका स्टोरेज फ्री हो जाएगा, सो आप फोन को स्मूथली यूज कर सकते हैं, आपका फोन काफी फास्ट हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपके लिए ये टिप्स काम आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, सी यू देन।